हर हर गंगे दोस्तों, मैं नेहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस जगह पे खड़ी होकर मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ वो है भागीरथी सेतु। हर की पौड़ी से आपको दृश्य जो है मैं दिखा रही हूँ और आप सामने देख सकते हैं धनुष पुल के दृश्य यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही वो घाट है, यही वो पुल है, भागीरथी सेतु इसका नाम है। और उस साइड पर आप देख सकते हैं उसी साइड पर नाई घाट के दृश्य जो आपको दिखा रही हूँ मैं। और माँ गंगा के दर्शन के साथ साथ आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु एकत्रित हो रखे हैं गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे। और आप देख सकते हैं गाइस, जल का बहाव देखिए बहुत अच्छा आज दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों बाद आज गंगा का बहाव अच्छा दिखाई दिया है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आपको माँ गंगा के दर्शन पास से भी करवाते हैं। हरिद्वार में आजकल बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है तो गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और धनुष पुल से आप देख सकते हैं सामने बहुत अच्छे दृश्य यहाँ दिखाई दे रही हैं और माँ गंगा की निर्मल धारा यहाँ पर बह रही है। और गर्मियों के साथ साथ यहाँ पर देखिए गाइस नारियल पकड़ने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से जो है गंगा मैया में से नारियल जो है एकत्रित करते हैं। अरे अरे चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखिए ये आपको दृश्य मैं दिखा रही हूँ ये नाई घाट के ही है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बहाव जो है काफ़ी अच्छा दिखाई देता है गंगा मैया का। और गाइस काफ़ी बार कहा हुआ है लाउड स्पीकर्स में भी आवाज़, हमेशा ये बोला जाता है कि कृपा पन्नी नहा फेंके गंगा मैया के अंदर, तो पॉलीथीन, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। देखिए सब लोग इसी को देख रहे हैं किस तरह ये पॉलीथीन बहता हुआ जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे पॉलीथीन यहाँ गंगा मैया में बहते हैं तो गंगा मैया प्रदूषित होती है, तो ये बात ध्यान रखें और पॉलीथीन वगैरह जो है गंगा मैया में ना फेंकें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब आपको लेके जाते हैं हर की पौड़ी के प्रमुख घाट जो है ब्रह्मकुंड घाट और वहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करवाते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। हर की पौड़ी में हमेशा खुशहाली का माहौल दिखाई देता है। गंगा स्नान करने के बाद हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। जितनी भी चिंताएँ हैं वो गंगा मैया के स्नान के साथ सब चीज़ दूर हो जाती है। और आज आप देख सकते हैं रविवार का दिन है और भीड़ आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की जगह पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। सामने आप अस्थि विसर्जन घाट देख सकते हैं पूरा फुल हो रखा है, इसी तरह ब्रह्मकुंड घाट भी पूरा फुल है। और सभी घाट जो है हर की पौड़ी में आपको फुल ही दिखाई देंगे। इसी तरह गंगा मैया के डेली दर्शन के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी गंगा मैया के डेली दर्शन कर सकें। मेरे चैनल पे उत्तराखंड के हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश और देहरादून की अच्छी अच्छी जगहों की वीडियोस आती रहती हैं, तो अगर आपको ये सब वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सकें। देखिए गाइस अब आपको दिखाते हैं सामने गंगा मैया की पवित्र प्रतिमा और उनके साथ शिव जी की विशाल मूर्ति। इसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और इसी के साथ साथ गंगा मैया की पवित्र लहरें मन को बहुत ज़्यादा सुकून और आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही हैं। लहरों की आवाज़ आपको वीडियो में सुनाई दे रही होगी। एक बार फिर मैं आपको हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड के दृश्य जो है ऊपर पुल से दिखा रही हूँ। और इसी व्यू के साथ मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी गंगा मैया के डेली दर्शन कर सकें और चैनल के साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।